हेलो फ्रेंड, यामाहा क्रक्स में अगर करंट की समस्या है तो इससे किस तरीके से हल करना है। इसमें करंट नहीं आ रहा है, मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि बिल्कुल स्पार्क नहीं आ रहा है। इग्निशन को भी हमने डायरेक्ट करके रखा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मैग्नेट कॉइल को। तो क्या क्या चेक करना है अभी हम बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहे हैं। इसमें करंट की समस्या है, यामाहा क्रक्स ओल्ड मॉडल वाली बाइक। तो ये दो वायर में हम चेक करेंगे, पीला एक वाइट में। वाइट को हम चेक कर लेंगे एक बार। देख सकते हैं कि वाइट में आ रहा है। अब हम पीले में भी चेक कर लेंगे, ये लाइट वाला है, पीला वाला। देख सकते हैं तो ये दोनों में आ रहा था, तो मैग्नेट कॉइल ठीक ठाक है। और पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए तो ऐसे जल्दी बताता नहीं, फिर भी हम लोग स्प्लेंडर टाइप का चेक करेंगे। स्प्लेंडर में जिस तरीके से हम चेक करते हैं उस तरीके से चेक करेंगे। इसमें देखते हैं कि इसमें तो नहीं बताता उसमें, ये वाइट वाले में एक हमने लगा दिया और ये पिकअप कॉइल को वायर इसमें टच करते हैं तो स्प्लेंडर में स्पार्क होता है हल्का, और इसमें नहीं हो रहा है। फिर भी हम पहले पिकअप कॉइल को नहीं चेंज करेंगे, पहले चेक करेंगे समस्या क्या है। तो पिकअप कॉइल जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, तो इसे हम इस सॉकेट में लगा देंगे। और यहाँ ठीक ठाक है। अब देख सकते हैं कि ये वाला वायर रेगुलेटर में भी गया हुआ, देख सकते हैं यहाँ चार्जिंग के लिए। यही मेन हमारा करंट का, यही वाइट वाला वायर होता। देख सकते हैं कि ये वाइट बना के रेड में ये यहाँ पे भेजता है इग्निशन में, एक बैटरी में। देख सकते हैं ये वाला। और ये ब्लैक क्रक्स में आपको ये अर्थिंग का मिल जाएगा, देख सकते हैं इधर बॉडी अर्थिंग भी होगा। दिखाओ किधर है, यही का है। देख सकते हैं कि बॉडी अर्थिंग का वायर ये ब्लैक वाला इसमें कनेक्टेड है, मतलब काला इसमें अर्थिंग है, हमें ये समझ लेना है। अब बैटरी वाले में चेक करेंगे कि इसमें आ रहा है कि नहीं। तो इसमें लगा दिए है और इसे बॉडी में टच करेंगे इस तरीके से। ये टच नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, वायर छोटा हो रहा है। एक मिनट मारो। देख सकते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है रेगुलेटर हमारा। इधर दिखा, कट कट ये। अब यहाँ से फ्रेंड ये रेड से ये ग्रे, ये भूरा वाला वायर देख सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये रेड वाले से इसमें करंट आता है। तो हम इसमें चेक कर लेंगे, ये देखेंगे कहाँ गया है भूरा वायर। देख सकते हैं कि ये CDI में, यहाँ चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं CDI में बैटरी वाला करंट। तो इसे खोलेंगे, खोलो। हमारे मिस्त्री साहब बड़ी बहुत देर से परेशान थे, मेरे स्टाफ। तो इसे भी हम चेक करेंगे। तो इसे हम लगा लेंगे यहाँ पे इस सॉकेट में, भूरे वाले सॉकेट में, भूरा वाला सॉकेट में। हाँ, भूरा वाला हम लगाना है, इसमें लगाओ। ये बोल दिया, क्या बोल दिया, मैग्नेट कॉइल खराब है, पिकअप कॉइल, पिकअप कॉइल खराब नहीं है। चलो यहाँ पे
स्पार्क को चेक करेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं कि इसमें भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं से वायर को चेक कर लेंगे, कटा हुआ होगा। तो देख सकते हैं इसको ठीक कर लेंगे हम पहले, ये भी सही तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। बोतल इग्निशन कॉइल वाले को बढ़िया से इसे जोड़ के हम टैपिंग कर देंगे, लगते इससे हम टैपिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर ये लूज कनेक्शन रहेगा तो भी मिसिंग की समस्या होगी। तो सबसे पहले इसको ठीक कर लेंगे। पुरानी गाड़ी है फ्रेंड, इसका सामान भी अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, बड़ा जल्दी मिलता नहीं है। ये हो गया ओके, और इसका भूरा वाला वायर भूरा वाला वायर देख सकते हैं, एक दो और यहाँ तीन है, और ये तीन वायर इग्निशन से निकल के लाल से बन के इसमें निकलता है फ्रेंड। तीनों में देख सकते हैं कि एक आ जाता है ये ब्रेक स्विच में, ये वाला देख सकते हैं यहाँ भूरा है, और एक चला जाता है इधर पीछे लाइट के लिए, ये बैकलाइट के लिए अलग एक छोटा बल्ब होगा इसका पीछे का, और एक देख सकते हैं कि एक सीढ़ियाँ में आया हुआ है, तो इसी में चेक करेंगे क्योंकि इसमें आ नहीं रहा स्पार्क। तो इधर क्या समस्या है चेक कर लिए सभी को हमने, बड़ा दिमाग खराब होता है ये सब गाड़ियों में फ्रेंड, क्योंकि ये सब गाड़ियां आती हैं तो उड़ी बाबा गाड़ियां थोड़ा दिमाग खाती है ये सब, इसमें ज्यादा इशू होता नहीं है फिर भी। एक इधर दो तीन एक इधर देख सकते, अरे ये देख सकते हैं फ्रेंड यही वायर यहाँ से टूट चुका था, ये सीढ़ियाँ वाला देख सकते हैं, तो करंट कहाँ से आएगा, तो ये समस्या हमें लग रहा है। देखते हैं इसे फ्रेंड कि इसे लगा के, और क्योंकि वायरिंग भी पुराना है तो डैमेज हो जाने के कारण टूट जाता है, बहुत देर से परेशान थे हमारे मैकेनिक साहब, तो इसे हम भूरे वाले में ही बढ़िया से इसे हम टाइट करके पूरा टाइपिंग कर देंगे इसमें ब्लैक टेप को। पहले ऐसा ही थोड़ा सा लगा के चेक करते हैं क्या, और इसे हम अब हम यहाँ चेक करेंगे, हमें लगता है कि देख सकते हैं यहाँ जोड़ दिया, अब हम यहाँ चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं, तो हम अब हम चेक करेंगे फ्रेंड। हिलाओ मत मोबाइल को मत हिलाओ, देख सकते हैं कि अब इसमें आ रहा है करंट फ्रेंड, देख सकते आपको दिखाना बढ़िया से फोकस दो इसको, दो दिखाओ इधर, देख सकते हैं कि आ रहा है, अब इसमें करंट आने लगा है क्योंकि वायर टूटा हुआ था वहां से। अब हम चेक करेंगे इग्निशन कॉइल में, देख सकते हैं कि अब प्रॉपर करंट आने लगा है। तो अगर यामाहा क्रश आपके पास है और इस तरह की समस्या आती है तो इसी तरीके से वायरिंग को चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, देख सकते हैं एकदम प्रॉपर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, मारो कि देख सकते हैं कि मारो, तो
देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गया था। और इसी तरीके से हमें करना है, और हम सभी वायर को देख सकते हैं यहाँ पूरा खुला हुआ है, तो इसे हम टैपिंग कर देंगे। और इसी तरीके से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया। कोई भी बड़ा इश्यू नहीं होता है, आप मेहनत से करें और मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो मिला हमें, इसी तरीके से अब हमें पूरा टैपिंग कर देना दोस्तों। और इस जगह पे बढ़िया से टैपिंग करेंगे। देखो यही वायर यहाँ से डैमेज था, ये वाला, इसी वायर को बढ़िया से हम टैपिंग कर देंगे। और यहाँ वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स।